आया हूँ आयशा और आपके लिए लेकर आती हूँ ब्यूटी टिप्स, होम रेमेडीज और इसके अलावा ब्यूटिशन से रिलेटेड तमाम कोर्स जो है आपको इस वीडियो में सिखाया जाता है। तो आज की जो वीडियो है इसके बारे जो आपको मैं बताती चलूँ, यह है वीडियो केयर क्रीम ब्लीच के बारे। तो इसमें मैं आपको मुकम्मल ये रिव्यू दूंगी कि इसमें इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ ऐड की जाए जिसकी वजह से आपका जो स्किन का कलर है वो ज़्यादा फेयर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्रीम आपको मिल जाएगी मार्केट से 60 रुपीज़ की। ये छोटी पैकेजिंग में है, इसमें बड़ी होगी तो आपको 100 रुपीज़ की मिल जाएगी। इसकी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है रेंज, आपको कम रेंज में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर ख़रीदना चाहो तो आपको मोहल्ले की मार्केट से, मोहल्ले की जो दुकान होगी आपको आसानी से वहाँ से मिल जाएगी। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो क्रीम है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक पाउडर होता है और इसके अलावा ये क्रीम होती है। तो इसमें जो इन दोनों को मिक्स करके आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं और ये स्किन आपकी स्किन पे जो बाल होते हैं, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर जो होते हैं उनको आपकी स्किन से जो गोल्डन कर देते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर का कर देते हैं। तो इसका ये देखें, ये चेक करेंगे, इसका टेक्स्चर जो है ये वाइट कलर में है। तो ये ऐसे सही स्पंज की तरह का होता है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर है। और इसके अलावा इसका पाउडर है, इन दोनों को मिक्स करके आप अपनी स्किन पे अप्लाई करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन भी वाइट हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी स्किन से जो एक्स्ट्रा जो हेयर्स हैं, फेशियल हेयर्स, वो भी आपकी स्किन से गोल्डन ब्राउन कर देगी। तो इसको अप्लाई करने का जो बेस्ट मेथड है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। इसको जो बनाने का तरीका है उसमें क्या आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा वाइट हो जाएगी, आप इसमें कच्चा दूध या फिर बॉयल किया हुआ दूध उसको ठंडा कर लें फ्रिज में, वो आप इसमें चम्मच में जब ये पाउडर निकालें उसमें वो ऐड करें, तो उससे भी आपकी स्किन से जो फेशियल हेयर हैं उनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर देगी, उसके साथ साथ आपकी स्किन को एक्स्ट्रा वाइट कर देगा। उसके साथ साथ इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपने इसको अपनी स्किन पर लगा लेना है। स्किन पर लगाने के बाद आपने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आप अपने फेस को जो अच्छे से वॉश कर लें ठंडे पानी से, और इससे पहले भी इसको अप्लाई करने से पहले आपको इस स्क्रब के साथ अपने फेस को अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर लें। उसके बाद आपकी स्किन से जो भी मैल वगैरह होगी वो उतर जाएगी। डस्ट वगैरह उतरने के बाद आपने ये स्किन पर ये अप्लाई करें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी आप अपने हफ्ते में या फिर महीने में क्रीम ब्लीच ज़रूर यूज़ किया करें, और ये बेस्ट क्रीम ब्लीच है जो आप अपने मोहल्ले की मार्केट से आसानी से आपको मिल जाएगी और कोई इतनी मुश्किल और भी नहीं होगी आपको। और ये 10 रुपीज़ की छोटी पैकेजिंग में मिल जाएगी, वो आप ला के तो एक दफ़ा यूज़ कर लें तो उससे आपकी स्किन से जो डस्ट वगैरह होगी वो भी रिमूव हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी स्किन पे फेशियल हेयर जो है वो भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। अगर आपने हाथों पे अप्लाई करनी है, हाथों पाँव पे, तो उसका जो मेथड है वो ये है कि आपने जो क्रीम है उसको जो जितनी मिकदार में डालना है उतनी मिकदार में ही आपने उसमें पाउडर ऐड करना है। और अगर आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है तो आपने जितने हिस्से क्रीम के डालने हैं, 3 हिस्से क्रीम होगी और 1 हिस्सा पाउडर का ऐड करना है। तो उसे अपनी स्किन पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद अपनी स्किन को ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेना है, या फिर आटा लेकर, गंदम का आटा लेकर उसको, वो तो हर घर में आसानी से अवेलेबल होगा, तो उसको लेके उसके बाद आपने स्किन पे अप्लाई करने के बाद अच्छे नरम हाथों से मसाज कर लेनी है। और इसकी जो एहतियातें हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, वो ये हैं कि आपने इसको अप्लाई करने के बाद जब वॉश कर लें उसके बाद आपने ये एहतियात करनी है, कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लें अपनी स्किन पे और धूप में नहीं जाना और चूल्हे के आगे आपने 2-3 घंटे नहीं जाना। तो इसकी यही एहतियातें हैं और इससे जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। तो इसको हम लगा के भी दिखाएंगे। तो इसको लगाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये स्टिक के साथ इसको अपने हाथों पे, मैं लगा रही हूँ तो हाथों के हिसाब से मैं लगाऊंगी, अगर फेस पे लगानी है तो उसमें आपने ये देख सकते हैं कि हमने अगर ये हमने लगाना है फेस पे लगाने का हम पैक बना रहे हैं। तो ये देखें, हमने 3 हिस्से क्रीम डाली है, इसमें 1 हिस्सा पाउडर का ऐड करेंगे। अगर आपने हाथों के लिए करना है तो उसमें आप तो 1 हिस्सा आपने इसमें पाउडर का ऐड करना है, बिल्कुल इतनी सी मिकदार में आप इसमें पाउडर ऐड करेंगे अगर आपने फेस पे लगाना है। अगर आपने हाथों पे लगाना है तो आप इसमें मिकदार ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं।
इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम आपको हाथ पे लगा के दिखाएंगे भी, इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और अगर आप ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं, आपकी स्किन जो है वो ड्राई भी है, तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, ठंडा दूध, वो उसको मिला के लगाएं तो आपकी स्किन पर ज़्यादा वाइटनिंग आएगी। तो उसके अलावा आपकी स्किन जो है वो अगर मॉइस्चराइज नहीं है तो स्किन ड्राई है तो वो भी आपकी ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे जिससे जो है आपकी स्किन मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं और वाइट भी होगी, वो आप अच्छी से कोई भी एलोवेरा जेल ले लें। हमारे घर में अगर कोई भी आपके घर में कोई है एलोवेरा जेल, वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाज़ारी एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ कर रही हूँ, वो आपने थोड़ी सी मिकदार इसमें ऐड कर लेनी है और इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करने हैं, तो इससे आपकी स्किन पर एक्स्ट्रा वाइटनिंग आएगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर लगाया करें, इससे आपकी स्किन पर जो भी ड्राइनेस आती है वो भी नहीं आएगी और आपकी स्किन एक्स्ट्रा वाइट होगी। इसको मैं आपकी स्किन पर जो लगाएंगे तो बहुत अच्छे इससे रिज़ल्ट आएंगे। अपनी स्किन पर लगा के मैं इसे दिखाऊँगी। तो इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। ये देखें पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए और क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए, तब तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो फ्रेंड्स इसको इस तरह आपने अपनी स्किन पे या फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, हाथों पे अप्लाई करना है तो इस तरह आपने अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में नहीं, बिल्कुल सीधे हाथ से आपने अप्लाई करना है। अगर फेस पे लगा रहे हैं तो गर्दन से शुरू करना है और अपने पूरे फेस पे आपने लगा लेना है अच्छे तरीके से, कोई भी हिस्सा रह ना जाए, हर बाल को अच्छे तरीके से आपने पूरे फेस को कवर करना है। लगाने के बाद अगर हाथों पे हैं तो ज़ाहिर है आपने 30 मिनट तक इसे छोड़ देना है और उससे आपके जो बाल हैं अच्छे तरीके से फेशियल हेयर वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। और अगर आप लगा रहे हो अपने फेस पे, तो फेस पे लगाने के लिए यह है कि आपके जो ये टाइमिंग है वो होनी चाहिए तकरीबन 15 मिनट। और अगर आपकी स्किन जो ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको चाहिए कि अपने किसी भी बाजू के हिस्से पर लगा के छोड़ दें, ज़रा 15 मिनट 20 मिनट लगा लें, चेक कर लें थोड़ी सी क्रीम मिक्स करके, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी स्किन पर एलर्जी वाली है तो वो आप फिर आप इसे अप्लाई ना करें, सेंसिटिव स्किन वाले पहले अपने किसी भी बाजू पर जो है वो चेक कर लें, बाजू के हिस्से पर इस तरह आपने लगा के इसे छोड़ देना है। जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने या तो आटा ले लें, आटे के साथ अच्छे तरीके से रब करके तो आप इसको धो सकते हैं, तो या फिर आप ऐसे करें कि ठंडे पानी के साथ वॉश कर लें, स्पंज वगैरह से साफ़ कर लें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ कितने वाइट हुए हैं, इससे ये कलर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन मेरे बालों का, फेशियल हेयर्स का हो गया है। तो आप भी अपनी स्किन पे अप्लाई करें और इसको 30 मिनट तक आपने छोड़ देना, उसके बाद आप ठंडे पानी से या फिर वॉश कर लें, या फिर अगर बेस्ट ये है कि आप आटा लेके उसको स्क्रबिंग करके अपने हाथ से वॉश करें, ज़्यादा ठीक हाथों से अपने हाथ को नहीं करना, बल्कि जो सॉफ्ट हाथों के साथ आपने जो है वो अपने स्किन से जो है उसको रिमूव करना है, तो आपकी स्किन पर बहुत ही वाइटनेस आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।